ये मेरा बेटा मोहम्मद दानियाल, जो कि वैसे तो बैंक में ऑफिसर है न्यूयॉर्क में, मगर अमेजोन पे भी उसने पाकिस्तान से इंपोर्ट करता है चीज़ें, पिंक सॉल्ट वगैरह और हिमालयन सॉल्ट की चीज़ें, और चाइना से भी मंगाता है और हांगकॉन्ग से भी मंगाता है अमेजोन पे, अमेरिका पर भी उसकी चीज़ें बिकती हैं। इसके साथ साथ है ना, ये कारों का भी काम करता है, तो अल्लाह के फजल से महीने में 2-4 कारें अब ये आदमी परचेज करता है और उसको सेल करता है। तो ये कार है, देखिए सेल के लिए आई है, बहुत ज़बरदस्त कार है ये। शब्बीर, एक मुहावरा है कि बाप जैसा होता है बेटा ऐसा ही निकलता है। आपने भी बड़ी मेहनत की, आज आपका बेटा दानियाल अल्हम्दुलिल्लाह बैंक में है, फिर ये चीज़ें। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, इस गाड़ी की कीमत क्या है? इस गाड़ी की जो ना कीमत अभी रखी है $7,000। अच्छा, $7,000 है, और टोयोटा कैमरी नाम है इसका। अच्छा, टोयोटा कैमरी। और ये इसका बच्चे का लेके नंबर भी यहाँ पे है, ये वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इसका नंबर है 5516663866। ये देखिए बिल्कुल जबरदस्त गाड़ी है, और इसकी रनिंग भी इसमें लिखी हुई है, देखिए लिखी हुई है रनिंग इसकी लिखी हुई है, माइलेज 1770, बहुत कम रनिंग है। लेकिन आपका बेटा ने ये गाड़ी रखी है, तो मैं गाड़ी के शौकीन हजरात से कहूँगा, आफ्ताब आलम कि ये मेरा भतीजा है दानियाल, आप यहाँ आइएगा, गाड़ी लीजिएगा। इंशाल्लाह आप जब गाड़ी लेके जाएंगे तो दूसरी गाड़ी लेने आएंगे, क्योंकि अच्छी गाड़ियों का कमाल ये होता है कि बेचने वाला खुले आम रख कर बेचता है। और दानियाल ने एक गाड़ी नहीं, ना जाने महीने में कितनी गाड़ियां बेचता है, लेकिन ये हर अच्छी वो गाड़ी लेकर आता है दानियाल, जिसको लेने के बाद शब्बीर को भी लोग फोन करते हैं कि आपके बेटे से गाड़ी ली। फर्स्ट ओनर गाड़ी होती है, एक्सीडेंट फ्री है, कोई एक्सीडेंट। वाह 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 वाह, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ हर चीज की रिपोर्ट होती है, कमाल है। ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ओनर गाड़ी होती है, फिर इसके बाद इसकी रिपोर्ट है, तो सर वो तो गाड़ी देखने के बाद ही पता चल रहा है कि गाड़ी जिसके पास थी। मशहूर आर्टिस्ट भी है, और इसके अंदर कराची में इनका आलम मोटर के नाम से बहुत बड़ा शोरूम भी है, मेरा वहाँ पे तजर्बा है। आप जरा आपने आलम मोटर के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह जमशेद रोड पे आलम मोटर्स है, मेरा छोटा बेटा काशान आलम, जो कि विजय भी है और अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्पेयर भी है, वो गाड़ियों की डील करता है और इसी तरह अच्छी अच्छी गाड़ियों की डील करता है। तो वो एक दिन मुझे कहने लगा कि पापा, अगर गाड़ी अच्छी हो, इंजन वाइज अच्छी हो, और ऑनर इसका जो पहले वाला हो वो हिफाजत से चलाता हो, तो हमारी वाह वाह हो जाती है। और वो वही गाड़ियाँ लेता है जो ऐसी होती है। मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर है, वो साथ आया हुआ है, और हम शब्बीर के वो दोस्त हैं कि शब्बीर के ड्रामों में भी काम किया है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ई कम्युनिटी के CEO हैं, और पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर जहाँ जहाँ ई कम्युनिटी अखबार देखा जाता है लोग पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच शब्बीर, आपने आज विजिट कराई, और आपके बेटे ने वो गाड़ी और भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, गाड़ियों के मामले में हमारे दोस्त हैं एक शाहिद भाई, वो बड़े काम जानते हैं। मेरा बेटा तो खैर ये इंजीनियर है, इतनी गाड़ी को शाहिद भाई आइएगा, शाहिद भाई आइए। सेल के लिए मौजूद है, माशाल्लाह। क्या जी, 8,300 की डिमांड है इसकी, 8,300 2015 का। शाहिद भाई आपको कैसा लगा शब्बीर भाई के यहाँ आना? बहुत अच्छा लगा जी, शब्बीर साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इनके घर में हम आए, मैं आफ्ताब भाई, उनके साहबजादे, बेटी, पूरी फैमिली उनकी, और यहाँ से मिलकर बहुत खुशी हुई, और उनकी फैमिली को देख के। लीजिए, मैं अपने बेटे से मिलाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आए हुए, और शब्बीर से बड़ा प्यार करते हैं, ये कहते हैं शब्बीर ने हमेशा स्ट्रगल किया, और पाकिस्तान में शब्बीर को मुख्तलिफ पाया, आज यहाँ कैसा है ये आप पूछिए। माशाल्लाह, शब्बीर साहब जो हैं बड़े ही खुश मिजाज और खुश इखलाक और खुश लिबास, माशाल्लाह शख्सियत के मालिक हैं, और यहाँ पे देख के हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है। शब्बीर साहब ने माशाल्लाह घर भी अपना बड़ा अच्छा बनाया है, पीछे बाग है, हमने सारे फल सब्जियाँ वहाँ पे उगा रहे हैं, माशाल्लाह हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी में जो है ना मुलव्वस होते हैं। तो शब्बीर साहब एक माशाल्लाह बड़े जिंदा दिल आदमी है, और यहाँ पे भी वो जिंदा दिल है, माशाल्लाह अच्छे दोस्त है। बेटा मैं एक बात बताऊं, शब्बीर भाई भी और शाहिद भाई आपसे भी एक बात बताऊंगा कि हमारे साथ थे एक प्रोग्राम में, हमारे एक हलीम का प्रोग्राम था, तो हलीम वाले ने मुझसे कहा कि यार आफ्ताब भाई कुछ बात करो, प्यारा इंसान है। BMW भी है, वाह 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 वाह, तो वो भी सेल के लिए है माशाल्लाह। तो हमारे दोस्त शाहिद भाई BMW भी है, चार पाँच गाड़ी सेल करते थे।
अच्छा हम एक आपसे सवाल कर रहे हैं, हम कि अगर शाहिद भाई का भी गाड़ियों का वहाँ काम है लेकिन इतना नहीं है जितना आपका है, अगर शाहिद भाई लेंगे तो कोई कमीशन वमीशन है या? नहीं जरूर जरूर, वाह 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 वाह, थैंक यू वेरी मच। पीछे भी माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ जो अपने मैंने चलाई है, शेरफ और मेयर अपने दोस्त थे करके इन्होंने अपने कराची की तरह इन्होंने भी दे दिया। वाह 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 वाह, आपको जो है ना बताइए बताइए, कराची में भी आर्ट काउंसिल के मेंबर, वहाँ के लोग इन्हें याद करते हैं, क्योंकि मेरा एक दोस्त था मरूम, अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, हमारा और शब्बीर भाई का मुस्तर का दोस्त था प्रोफेसर अजीज मेमन, वो एक ही बात करता था कि मस्जिद के बाहर एक जगह ले लो और शब्बीर भाई का कमरा बना लो, क्योंकि शब्बीर भाई आर्ट काउंसिल में इतने इतने रुए रवा थे। अच्छा, शब्बीर भाई के यहाँ आने से इतने लोग मुझसे पूछते हैं यार शब्बीर भाई, अरे भाई अमेरिका चले गए शब्बीर भाई, और थैंक यू शब्बीर भाई, तुम्हें मुबारक हो, ये तुम्हारा ये स्टिकर, एक स्टिकर क्या तुम्हारे को तो यहाँ मेरे ख्याल से अब यहाँ का प्रेसिडेंट भी देगा, आप व्हाइट हाउस डायरेक्ट जाएंगे गाड़ी लेकर भौं करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर आप कुछ एक बात कहते हैं शब्बीर भाई के बारे में? जी, शब्बीर भाई कैसा पाया आपने? बहुत अच्छा पाया जी, माशाल्लाह इनका घर फैमिली शब्बीर साहब बहुत अच्छे मिलनसार लोग शख्स हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इस तरह कायम दायम रखे। आमीन 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 आमीन।